गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस डिस्कस कर दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस जो वैल्यू आई थी हमारी, वो वैल्यू थी यू इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई स्मॉल आर। आपके पास दो चार्जेस थे जो स्मॉल आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड थे और चार्जेस का मैग्नीट्यूड था क्यू वन क्यू टू। तो आपने जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करी थी उसका फॉर्मूला आया था के क्यू वन क्यू टू बाई स्मॉल आर केवल टू चार्जेस के लिए। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसमें दो ही चार्जेस हैं और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लिए तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना। मैंने ये भी बताया था कि अगर इसमें दोनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम हो, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। और इसमें से एक भी चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब एक पोलैरिटी डिफरेंट है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अब हम सिस्टम ऑफ टू चार्जेस तो डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें डिस्कस करना है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, थ्री चार्जेस से आपने कोई सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो अच्छा टॉपिक है। तो थ्री चार्जेस वाले सिस्टम को हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है। सपोज आपके पास क्या है, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को मैंने एबीसी से डिनोट कर रखा है। ट्रायंगल आपका क्या है, एबीसी। अब मैं बात करूं कि सपोज ए और बी के बीच की डिस्टेंस मान लो आपने आर वन टू से डिनोट कर रखी है। ठीक है ना, वन टू कुछ भी ले लो, आर ए टू ले लो। बी और सी के बीच की डिस्टेंस जो है उसको मैंने आर टू थ्री से डिनोट कर रखा है और वन ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो अलग ले लिया आपने आर वन थ्री। सपोज इक्विलैटरल नहीं है, सिंपल ट्रायंगल है, वेव कैसा भी हो सकता है। ये वाला डिस्टेंस आपने आर वन टू कंसिडर करी, ये वाला डिस्टेंस आर टू थ्री और ये वाला डिस्टेंस आर वन थ्री आपने कंसिडर कर रखी है। अब देखो अपना क्वेश्चन तो वही होता है कि मैं इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाऊंगा और वहां पे जो वेक्टर होगा वो पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले मैं एक चार्ज जो है क्यू वन उसको मैं इनफाइनाइट से लेके आया और मैंने उसको क्यू वन ए पॉइंट पे रख दिया। उस चार्ज को मैंने कहां रखा, सबसे पहले ए पॉइंट पे। इनफाइनाइट से मैं टेस्ट चार्ज लेके आया क्यू वन, या मैं बोलूं इनफाइनाइट से कोई चार्ज लेके आया क्यू वन और सबसे पहले मैंने उसको ए वन ए पॉइंट पे रखा, तो क्यू वन को लाने में जो वेक्टर होगा वो जीरो होगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, द वर्क डन ड्यू टू, वर्क डन ड्यू टू चार्ज, वर्क डन ड्यू टू चार्ज क्यू वन, वर्क डन ड्यू टू चार्ज क्यू वन डब्ल्यू वन इक्वल्स टू जीरो बिकॉज देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द सिस्टम। इस वाले सिस्टम में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था अभी, क्योंकि कोई भी चार्ज पहले से नहीं था। जब मैं क्यू वन लेके आया अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उससे पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम चार्ज लाते हैं तो वर्क डन जीरो होता है, तो उसको हमने जीरो लिखा। अब देखो ध्यान से, क्यू वन को लाने में वर्क डन जीरो हुआ। अब मैं बी पॉइंट पे दूसरा चार्ज लेके आता हूँ क्यू ए पॉइंट बी, मैं दूसरा चार्ज लेके आता हूँ यहाँ पे रखता हूँ क्यू टू चार्ज और फिर वर्क डन कैलकुलेट करूंगा। तो वर्क डन ड्यू टू चार्ज क्यू टू मेरा क्वेश्चन है, मेरा जो अगला टॉपिक है या अगला पॉइंट है कि वर्क डन मुझे कैलकुलेट इस कंडीशन में करना है जब मैं चार्ज Q2 इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूं और उसको कहां रख रहा हूं बेटा 8.3 पॉइंट बी पे रख रहा हूं। तो ध्यान से देखो, अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मेरा वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है बिकॉज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब मैं B पे कोई पॉइंट चार्ज या पॉइंट चार्ज लेके आऊंगा तो उसमें वर्क डन होगा, वो हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं। उसको मैं W2 से डिनोट करूं बेटा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, चार्ज कितना लेके आ रहे हो Q2, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या कंसीडर कर रहा हूं VB, तो VB * Q2, VB * Q2। अब आपको VB पता होना चाहिए, B पॉइंट का पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे या B पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूं VB, तो मुझे पता है सिंस VB की जो वैल्यू होगी, VB की जो वैल्यू होगी वो ध्यान से देखो, पॉइंट चार्ज है Q1 कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, R12 डिस्टेंस पे, तो B पॉइंट का पोटेंशियल हो गया K Q1 upon R12। और ये जो VB की वैल्यू है वो आप यहां पे पुट कर लो, इस इक्वेशन में पुट कर लो, देन W2 की जो वैल्यू है वो सॉल्व हुई आपके पास K Q1 Q2 upon R12। तो ये तो था, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर लोगे Q2 से, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये सेकंड चार्ज को लाने में जो वर्धन हुआ वो है बेटा, सेकंड चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से B पॉइंट तक लाने में इतना वर्धन हुआ। चलो ये भी हो गया। अब तीसरा चार्ज जो है मैं C पे लाके रखता हूं, तीसरा चार्ज अगर मैं Q3 यहां लाना चाहूं तो उसमें कितना वर्धन होगा,
तीसरी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं बेटा, सी पॉइंट पे हम इनफाइनाइट से Q3 चार्ज लेके आ रहे हैं, सी पॉइंट पे हम इनफाइनाइट से एक चार्ज Q3 लाके और यहां पे रखेंगे, तो उसमें वर्क डन कितना होगा, वर्क डन ड्यू टू चार्ज Q3, इसको मैं W3 से डिनोट करूं, इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, W3 से। तो W3 की जो वैल्यू होगी उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे। आपको रिलेशन पता वर्क डन और पोटेंशियल में, तो C पॉइंट के पोटेंशियल को मैंने VC से डिनोट किया और चार्ज कितना लेके आ रहे हैं Q3, तो उसको हमने Q3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंपॉर्टेंट है VC, C पॉइंट का पोटेंशियल, और C पॉइंट का पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी होगा और इस वाले चार्ज की वजह से भी होगा। तो आप लिखोगे VC इक्वल्स टू अगर मैं Q1 की वजह से पोटेंशियल लिखूं तो वो होगा KQ1 अपॉन R13 प्लस, अगर मैं Q2 की वजह से पोटेंशियल लिखूं तो वो वैल्यू होगी KQ2 अपॉन R23 KQ2 अपॉन R23। ये आपका C पॉइंट का पोटेंशियल है। अब आपको क्या करना है, ये वाली VC की जो वैल्यू है वो आपको यहां पुट करनी है, दैट W3 की जो वैल्यू है वो निकल के आई आपके पास W3 आप इसको Q3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरी इक्वेशन को Q3 से मल्टीप्लाई करोगे तो Q3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। ये आपके पास तीसरे चार्ज की वजह से, तीसरा चार्ज जब Q3 C पॉइंट पे हमने रखा इनफाइनाइट से लाके, उस केस में वर्क डन इतना हुआ। अब आपके पास कोई चार्ज नहीं बचा क्योंकि तीन ही चार्ज आपको लाने थे, थ्री चार्जेस की बात करें तो हम थ्री चार्जेस का ही डिस्कस करेंगे। अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन, ये जो टोटल वर्क डन होगा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर होगा, ये जो टोटल वर्क डन होता है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाता है बेटा। तो आपको क्या करना है, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। देखो टोटल वर्क डन कितना हुआ, बहुत आसान डेरिवेशन है, टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 प्लस W3 की वैल्यू 0 है, W2 की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है कितनी है, KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 की वैल्यू अभी आपने हम फाइंड आउट करी है, ये वैल्यू आप पुट कर लो, देन W3 आपके पास आ गया KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23, और ये जो टोटल वर्क डन हुआ बेटा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस थ्री चार्जेस वाले सिस्टम में स्टोर होता है। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, U इक्वल्स टू W, ये टोटल जो है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लिखेंगे के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। ये आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। अब देखो इसमें हम एक स्पेशल कंडीशन लगा सकते हैं कि सपोज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो R12 R23 R31 जो है R13 जो है वो इक्वल होंगे, उसको स्मॉल r मान सकते हैं। अगर तीनों चार्जेस इक्वल लेके आए तो Q1 Q2 Q3 की जगह हम Q पुट कर सकते हैं, तो इस तरह से हम उस केस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमने डिस्कस किया वो था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। अब जैसे मान लो तीन से ज्यादा आ गया, तो आप ध्यान से देखो जब तीन चार्जेस की बात करें तो अपने पास कितने टर्म्स हैं, तीन, 1 2 3। जब हमने दो चार्जेस की बात करी तो मेरे पास थी एक टर्म। मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ और उस देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट भी है, जब पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए KQ1 Q2 R1। तो हम जब तक इन दोनों के लिए लिखेंगे वो तो हमने कॉन्सेप्ट से पूरा सॉल्व कर लिया। अगर शॉर्ट में कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे, पूरा शॉर्ट में न्यूमेरिकल आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मुझे इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो दोनों के चार्जेस देखो, बीच में डिस्टेंस देखो KQ1 Q2 R1, इन दोनों के बीच क्यों, ऐसे इन दोनों के बीच में होगी और वही है आपके पास, वही है सब कुछ। दो चार्जेस से जब हमने कैलकुलेट कर दी पोटेंशियल एनर्जी तो आपके पास केवल एक ही वैल्यू थी, तो आपके पास एक फॉर्मूला आपके पास, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि ये टर्म्स कितनी होंगी।
ये टर्म्स कितनी होंगी उसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, और फिर उस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। देखो ध्यान से, जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा कि अगर ये टर्म्स मुझे कैलकुलेट करनी है कितनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा n into n minus 1 upon 2, n into n minus 1 upon 2। इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो कि आपके पास कितने टर्म्स हैं। जैसे दो चांसेस की बात करें तो n की वैल्यू कितनी होगी 2, जब n की वैल्यू इसमें 2 पुट करूंगा तो 2 into 2 minus 1 upon 2 कितनी होगी वैल्यू 1, a की वैल्यू थी, k की वैल्यू तो भाई यार लिखी थी आपने n equals to 3 लिया, जैसे अभी जो हमने किया वो 3 चांसेस वाला सिस्टम ही था, उसमें n की वैल्यू 3 थी, तो इसमें कितने टर्म्स होंगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 पुट करो, देन कितनी होगी वैल्यू 3 into 3 minus 1 upon 2, कितना आया 3 into 3 minus 1 2 6 upon 2 कितनी आ गई 3, और 3 टर्म्स है आपके पास 1 2 3 बिल्कुल सही है। ऐसे अगर हम n equals to 4 लें, जैसे मान लो स्क्वायर वाला भी एग्जांपल भी हम सॉल्व करेंगे, सपोज n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू कितनी है 4, तो आपके पास ये कितने टर्म्स होंगी, तो इसमें n की वैल्यू 4 पुट करो, 4 into 4 minus 1 3 upon 2 कितनी हो गई 6, उसमें 6 टर्म्स होंगी, उसमें कितने टर्म्स होंगे बेटा 6, ठीक है। तो मैं अभी एक आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूं कि अगर मुझे बहुत सारे चार्जेस से n मतलब बहुत सारे चार्जेस से कोई सिस्टम बना हुआ और उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, तो इस तरह से हम टर्म्स पता कर सकते हैं। हम इसका एक जनरल फॉर्मूला भी लिख लेंगे, जनरल फॉर्मूला भी लिख लेंगे, वैसे वो इतना काम का नहीं है। अब हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो बुक में सॉल्व है। आपके पास एक स्क्वायर है जिसके साइड स्मॉल a है और उसकी वर्टेक्स में कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, कुछ प्लस में कुछ माइनस में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और फिर उसमें यह भी पता करना है कि अगर मैं उसके सेंटर में कोई चार्ज लेके आता हूं तो एक्स्ट्रा वर्क डन कितना होगा। क्वेश्चन है, बुक का ही सॉल्व, इसको देखो ध्यान से। आपके पास एक स्क्वायर है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, बुक का सॉल्व क्वेश्चन है, इसी टॉपिक में आगे ध्यान से आपको मिल जाएगा। आपके पास स्क्वायर है, ठीक है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहाँ पे आपका माइनस टू चार्ज है, यहाँ पे आपका प्लस टू चार्ज है, यहाँ पे भी माइनस टू चार्ज है और यहाँ पे प्लस टू चार्ज है, साइड स्मॉल a, साइड कितनी है स्मॉल a। क्वेश्चन ये पूछा है, पहले तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, पहले तो इसकी क्या पूछी आपसे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी,